यस भी पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव मूव इन द सेम डायरेक्शन, विद एम्पलीट्यूड ए एंड टू ए एंड द फेज डिफरेंस इज पाई बाय थ्री आर सुपर इम्पोज कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव ओके, ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है लगातार में। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, कुछ नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको याद हो एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका, आर इज इक्वल टू क्या था भाई, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। फाइव क्या था, फेज डिफरेंस था भाई, याद है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए को मैं ए मान रहा हूँ और बी को मैं टू ए मान रहा हूँ, सही है कि नहीं है। और फाइव कितना है, पाई बाई थ्री, बचता क्या करने के लिए, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आर का वैल्यू कितना होगा भाई, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर, सही है कि नहीं है, माइनस टू ए इंटू टू ए कोस फाइव पाई बाई थ्री। कोस पाई बाई थ्री कितना होता है, 60 1/2। टू से टू काट दूं, प्लस का कि माइनस का, प्लस में टू से टू काट दें, यस और नो। तो आर की वैल्यू हुआ ए स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर, कितना हुआ भाई, प्लस टू ए स्क्वेयर, सेवन हो गया ना, सेवन ए स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू हुई ए अंडर रूट सेवन, सही है कि नहीं है, चेक करो। लिखिए इन वाई डी एस ई, ये बुक में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, पता छोड़ा है इसको, यंग डब्ल्यूएसएल एक्सपेरिमेंट है ये। इन वाई डी एस ई एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन where path difference is lambda is k unit find the intensity at a point where path difference is फर्स्ट है लेमडा बाई फोर, सेकेंड है लेमडा बाई थ्री, थर्ड है लेमडा बाई टू। ये 2014, 12, 11 तीनों में लगातार क्वेश्चन सर, ठीक है। क्या नहीं कहा, क्वेश्चन पढ़ो भी ढंग से एक बार। तो क्वेश्चन में क्या है, हो गया अभी इतना, क्वेश्चन में इन वाई डी एस ई एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा इज के गिवन, क्या है बस सकते मेरे को, पाथ डिफरेंस ये रखा है कितना, के या लेमडा, पाथ डिफरेंस कितना है लेमडा, तो इंटेंसिटी के है भाई। क्वेश्चन ये है क्लास, ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन को, जब पाथ डिफरेंस लेमडा था इंटेंसिटी कितना था के था भाई। क्वेश्चन उल्टा घुमा रखा है थोड़ा सा, इसी पॉइंट पर घूम रहा है क्वेश्चन से, आपको लगता है कि पाथ डिफरेंस के लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस लेमडा है और इंटेंसिटी कितना है के। तो इसमें इंटेंसिटी निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट पाथ डिफरेंसेस के ऊपर भी, यही निकालना ना। तो गिवन क्या है, पहले तो फार्मूला बनाओ इंटेंसिटी का, आई कितना था, आई वन, इसमें ले लेते हैं एक बार जल्दी से इसको, आई टू, बाद में चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, हमें कभी किया था टॉपिक, कितना इंटेंसिटी था भाई, फोर आई नॉट,
कितना था? कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस स्क्वायर 5/2। ये अब क्वेश्चन ये है भाई, इसमें पाथ डिफरेंस दे रखा है भाई, हमें चाहिए फेज डिफरेंस, बड़ी दिक्कत क्या है, निकाल सकते हो। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 5 = फार्मूला क्या बनता है भाई? 2π / लैम्डा * पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा है। अरे यस और नो? तो कितना है आंसर्स? 2π। पुटिंग द वैल्यूज भी, कितना होगा इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल लो, आई का वैल्यू कितना भाई? 4। आई नॉट निकालना है, आई नॉट मैक्सिमम है। कॉस स्क्वायर 2π/2, 2π/2, कॉस पाई कितना होता है? -1। का स्क्वायर करोगे 1 हो गया ना, तो कितना आंसर आया? 4i0। क्या आप इनके लिए निकाल सकते हो? यहाँ पे k है, ये 4i0, तो i0 का वैल्यू कितना है? k/4 अभी। यस आर ना, आप निकाल लो। ये दे रखा है इंटेंसिटी इन्होंने, k दे रखा है अभी कि इस लैम्डा पे इतना आंसर आएगा, तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग। के हो गया 4i0, तो i0 की वैल्यू कितनी आएगी? k/4। आप पुट करोगे, देख लो आंसर अब, ठीक है? जल्दी से निकाल लो इसको। ये कितना हो गया? i4। i0 कितना है? k/4। यही होगा, अब देखो क्या हुआ, नहीं क्या आंसर आया? k/2। अब हो गया ना, आई नोट निकाल लो वहाँ से जो आई दे रखा है आपको वैल्यूज में। लिखियो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट, लिखिए टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी, बीम ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i, आई एंड 4i आर सुपरइम्पोज, आर सुपरइम्पोज, व्हाट विल बी द मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉसिबल, व्हाट विल बी द मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉसिबल इंटेंसिटी। दो इंटेंसिटी दे रखे हैं आपको, i1 कितना है? i1 i है, i2 कितना है? 4i, सही लिखा है। मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, कुछ याद है? इंटेंसिटी के टर्म में cos pi की वैल्यू कितनी थी? 1 थी भी। i = कितना था? i1 + i2 + 2√i1 i2 cos 5। यस और नो? अगर ये मैक्सिमम है तो cos pi की वैल्यू 1 हो जाएगी भी, तो इसका आंसर होगा सिंपल है i1 + i2 + 2√i1 i2 cos 5 कितना हो गया? 1। पुटिंग द वैल्यूज भी, i1 कितना है भी? i + 4i + 2 × 4i2, सही लिखा है? अरे सही है कि नहीं है? ये 2i × 4 = 8 कितना हो गया? 9i, हाँ या ना? Yes, और आई मिनिमम कितना होगा अभी? i1 + i2 - 2√i1 i2 भाई, cos 5 की वैल्यू -1 होगी मिनिमा के लिए, सही है? Yes, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे i है प्लस i है माइनस 2, 4i हो गया, 4i, सही है कि नहीं है? Yes, हाँ या ना? 4i² को 2i × 2 = 4i, कितना आंसर हुआ? -2i है, ये 4i का, सॉरी 4i, ठीक है भाई, कितना हुआ भाई? 5 × 4 i आएगा आंसर, सही है? अब सही है। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा,
द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा सॉरी मिनिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मैक्सिमा इन वाई डी एस ई, इन वाई डी एस ई इज 9:25. फाइंड द रेशो ऑफ विड्थ, फाइंड द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट, फाइंड द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट. ठीक है, अगर आपको याद हो विड्थ रेशो कितना कैसे निकाली थी हम लोगों ने भी, W1 वन बाई डब्ल्यू टू इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, याद है कि नहीं है? तो इसी सी बात आपको एयर भी निकाल लें अभी. ठीक है, और आपको मिनिमा टू मैक्सिमा की रेशो दे रखी है अभी, यही है ना, मिनिमा आई मिनिमा बाई आई मैक्सिमा. अभी फार्मूला क्या बनेगा, अभी ये बनेगा ए माइनस बी का स्क्वेयर और ए प्लस बी का स्क्वेयर. भी मैंने इसको रेशो किया था आपको याद हो तो. ठीक है, तो इस कंडीशंस के लिए अगर आप देखें तो कितना आंसर होगा ये 9/25 रेशो ग्यारह ए माइनस बी और ए प्लस बी का मैं होल स्क्वायर ले सकता हूँ, सही है कि नहीं है? अंडर रूट करें दोनों तरफ तो हमें कितना आएगा 3/5 इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, सही है कि नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b, सही है कि नहीं? तो कैसे निकल लोगे बताओ, हैं विड्थ ये तो निकालना भाई, इसमें a और b चाहिए मेरे को, ए और बी चाहिए ना, तो इसको ए बी में बना लेते हैं टॉपिक को सारे को, ए बी में बनाते ही तक क्यों करें बिना काम, इतना फिर ए बी ए और निकालो बी निकालो. आपको ए बाई बी चाहिए? यस सर. इसको पूरा को ए बी में टर्म में ले लेते हैं टॉपिक को, कैसे लेंगे, यहाँ से बी कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है, कितना आएगा 3/5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस वन ए बाई बी प्लस वन, बी से बी काट दो कॉमन निकाल के, दोनों तरफ कॉमन निकाल लिया. पता नहीं चल रहा इन लोगों को क्या हो रहा है, कितना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या हो गया ना, कितना होगा 3a + b a बाई बी प्लस वन इज इक्वल टू 5a / b माइनस वन. यस सर ना, सॉल्व कर पाओगे? फोर आ गई सर इसकी. किसकी, ए बाई बी की? आफ्टर सॉल्विंग सॉल्व कर पाओगे इसको? फोर आंसर हुआ अभी. अरे इसको तीन तीन से गुणा करो, घटा दो फिर. सही है, कितना वैल्यू आया? हाँ जी आ जाएगी ना, फिर आपको ए बाई फिर ए से करो फिर बी से करो आंसर, एक एक निकालो वो बड़ा बन जाएगा थोड़ा सा पॉइंट, चलो छोटा कोई नहीं हो गया. तो W1/W2 कितना आएगा a बाई बी का स्क्वेयर भी, तो कितना आएगा विथ रेशो भी 16:1 ले सकता हूँ, 16:1 सही है. नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन भाई, ये 2017 में पूछा गया है. द लाइट वेव फ्रॉम टू coherent source arrive at two points on the screen with path difference 0 and lambda/2. विद पाथ डिफरेंस जीरो एंड λ/2 फाइंड द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट्स, फाइंड द रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. वहां पे इंटेंसिटी निकालनी है आपको भी. ओके, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई,
I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू, इसमें तो कॉस फाइव आता है अभी आपको दे रखा है पाथ डिफरेंस, और निकालना क्या है फेज डिफरेंस की टर्म में आंसर्स में। समझ मेरा क्वेश्चन आपको? Yes. स्क्रीन पे दो पॉइंट मिल रहे हैं अभी आपको भी, जिसका एक का पाथ डिफरेंस जीरो है, एक का कितना है लैम्डा बाई टू, जिसका पाथ डिफरेंस जीरो है भाई उसका फेज डिफरेंस कितना होगा भाई? फेज डिफरेंस भी जीरो ही होगा, फार्मूला लगा के कर सकते हो, नहीं ऑब्वियस बात है भाई, कुछ डिफरेंस हुआ ही नहीं वहीं पे है पॉइंट भी आपका, कर पाओगे? जिसका पाथ डिफरेंस जीरो है उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई कितना होगा? जीरो होगा, सही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? yes, मैंने रिलेशन किया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में भी, कर लोगे? yes, तो कितना आंसर हुआ भाई? आई, ये फर्स्ट की मान लेते हैं, आई वन ले लो उसको, आई वन तो ले लिया मैंने, क्या सिंपल लिया है इसके लिए, आई ए ले ले, ए सोर्स है इसका भाई। अब ये प्रॉब्लम देखो, आई वन आई टू के आगे ना प्रॉब्लम भी, आपको क्या निकालना है? नेट इंटेंसिटी निकालना और सुपर इम्पोजिंग भी। प्रॉब्लम क्या है? आपको आई वन आई टू दे नहीं रखे हुए, समझ में आ रहा है? दो सोर्स की इंटेंसिटी दे रखी है आपको भी, आप क्या मानोगे उसको? मैक्सिमम मानना पड़ेगा आपको भी, इंटेंसिटी क्या माननी पड़ेगी उस पॉइंट पे आके? मैक्सिमम, क्योंकि दोनों ही सेम सोर्स से आ रहे हैं, इंटेंसिटी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी भी। सही है कि नहीं है भी? ये किस तरह के क्वेश्चन में जब आपके आपको आई वन आई टू नहीं दे रखा हो तो आपको डायरेक्ट इसको क्या मानो? आई नोट मानिएगा, किसको? आई वन आई टू इक्वल टू किसके भी? आई नोट में। ये केसेस था, स्पेशल केस मैंने जो किया था इसको, ठीक है? तो कितना आएगा अभी क्लास? आई नोट प्लस टू आई नोट में, सही लिखा है, आई नोट स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना हो गया? इट इज फोर आई नोट में। और जब पाथ डिफरेंस कितना हो जाए? लैम्डा बाई टू हो जाए, तो फेज डिफरेंस कितना होगा भाई? फेज डिफरेंस फाइव इज इक्वल टू कितना होता है? लैम्डा बाई टू पाई। फेज डिफरेंस का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई टू, कर लोगे तो कितना आंसर हुआ? पाई। कॉस 180 कितना होगा? माइनस वन होता है, कितना होता है? माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन डालोगे तो माइनस का आंसर आएगा भाई, कॉस 180 माइनस वन, समझ में आ रहा है? तो कितना आंसर भाई आई बी के लिए? इसकी भी इंटेंसिटी मैक्सिमम भी, आई नॉट प्लस आई नॉट माइनस टू आई नॉट भी, यही होगा, जीरो तो नहीं होना चाहिए अभी, हाँ तो जीरो था अभी, सही बात है, लिखो जीरो, कितना हो गया? जीरो। रेशो क्या हो गया? आई ए बाई आई बी फोर आई नॉट बाई जीरो इन्फिनिटी, सही है। अरे बता दो, उल्टा करोगे तो जीरो, ठीक है तो ऐसा आपका कर पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं रखा कि ए का बी से करो या बी से ए करो, मर्जी आपकी भी, रेशो निकालना है, कर लोगे? लिख लीजिए, लिखिए लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन द पेयर ऑफ स्लिट, इंसिडेंट ऑन द पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न where bright frings are separated by 8.1 millimeter. ओके, आगे लिखिए, अनदर लाइट प्रोड्यूस ए पैटर्न
अनदर लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न वेयर ब्राइट फ्रिंग्स, वेयर ब्राइट फ्रिंग्स सेपरेटेड बाई, ब्राइट फ्रिंग्स सेपरेटेड बाई 7.2 मिलीमीटर, 7.2 मिलीमीटर. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट. कितना बड़ा क्वेश्चन है ना भाई, ढंग से पढ़ा तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा भाई. दो सोर्स दे रखे हैं भाई, एक का वेवलेंथ दे रखा है, यस और नो, और वो ये बना रहा है, ये क्या चीज़ है भाई, विड्थ बिटवीन ब्राइट फ्रिंग्स भी, ये एक्स है भाई. आपने अगर याद ना विड्थ निकाला तो एक्स निकाला था सबसे पहले भी, हमने कोई पॉइंट पी माना था एक्स डिस्टेंस, ये एक्स ही तो दे रखा है, तो पहले का एक्स वन मान लेते हैं, दूसरे का कितना है एक्स टू, ये लेमडा वन भाई, सही है कि नहीं है. फार्मूला क्या था एक्स का, लेमडा डी बाई डी था क्या, कुछ और लिख दे रहा हूँ, लेमडा डी बाई डी, ठीक है. क्या ये एक्सपेरिमेंट सेम जगह पे किया गया, फ़र्क किसका किया इन्होंने, सिर्फ लाइट का फ़र्क कर दिया, यानी डी और डी बराबर होंगे भाई दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए, यस सर ना. तो इसका एक्स वन है, इसका लेमडा वन है, बस ये फ़र्क है, उसका एक्स टू है, उसका लेमडा टू है, रेशियो निकाल सकते हो, सिंपल है भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन ही नहीं है. कितना आएगा एक्स वन बाई एक्स टू, तो कितना बचा लेमडा वन बाई लेमडा टू, तब को लेमडा टू निकालना अभी, सब कुछ क्यों होना, चॉइस आपका है, इसको एस आई में ले लो या सी जी एस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्यों ऊपर भी एस आई में नीचे भी एस आई में, ऊपर भी सी जी एस में नीचे भी, कटने हो तो यस सर नो, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ. एक्स वन कितना भाई 8.1 बाई 7.1 इक्वल टू, इसको भी ऐसे ले लेता हूँ, कितना भाई 630 नैनोमीटर डिवाइड बाई एक्स ले लूँ, कुछ भी मान लें एक्स मान लेते हैं, लेमडा ही मान लेते हैं, लेमडा टू था ना, लेमडा टू गुणा भाग कर लो भाई, लेमडा टू की कितनी वैल्यू आएगी 560 नैनोमीटर, नैनोमीटर में आएगा पता नहीं, आएगा नहीं आएगा. इन वाई, इन द पूरा लिखा है यंग डब्ल्यू एक्सपेरिमेंट, पूरा लिख हम सिंपल लिखाएंगे, इन वाई डी एस ई, इन वाई डी एस ई टू स्लिट 0.15 मिलीमीटर अपार्ट, टू स्लिट 0.15 मिलीमीटर अपार्ट आर इल्यूमिनेटेड आई डब्ल्यू एल यू एम आई एन ए टी डी, इल्यूमिनेटेड बाई ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर. द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, फाइंड द, हो गया फाइंड द Distance of second bright fringes. Find the distance of second bright fringes and second dark fringes from the central maxima. कर लोगे? आगे लिखिए, इसी में क्वेश्चन है. How will the fringes pattern change? How will the fringe pattern change if screen is move away from the slit? Screen is move away from the slit. Okay? तो given क्या क्या है भाई class? ये जो 0.15 है ये क्या है? ये small d है भाई. Width of the slits. Between the slits, sorry. D था ना, small d था ये. ये क्या है? वेवलेंथ. ये क्या है? कैपिटल डी. यस सर ना.
क्या पूछ रखा है भाई, इसको चेंज ही कर लेते हैं भाई। नैनोमीटर कितना, मिलीमीटर कितना होता है भाई? 10^-3 मीटर। ये वाला 450 10^-9 मीटर, ये 1 मीटर है ही। हो जाएगा भी क्लास भी, बता दो मेरे को जल्दी से कैसे सॉल्व करूँ क्वेश्चन को भी। क्या क्या निकालना है भाई आपको? X2 निकालना है, सेकंड फ्रिंग्स याद है? X1 X2, एक का डायरेक्ट का, एक का ब्राइट का भी। अगर पहले ब्राइट का निकालें तो कितना आंसर आएगा X2 का भी? X2 इज इक्वल टू, बता दो मेरे को, याद नहीं आ रहा, 2λ/d, चेक करो एक बार। ये क्या हो रहा पता नहीं, आपको तो पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है भाई। अरे देख लो विड्थ वाले टॉपिक में एक्स एक्स टू निकाल रखे हम लोगों ने, छोड़ो। कितना आएगा भाई? 2λ कितना है? 450 10^-9 इंटू d1/d 0.15 10^-3 आफ्टर सॉल्विंग, तुमसे तो होगा नहीं, 6 nm भी। कितना आएगा? 6 mm हो जाएगा। अब X2 फॉर डार्क फ्रिंग्स, 3λ/d/2 डार्क फ्रिंग्स का फॉर्मूला क्या था? 3λ/d/2 इसको डैश ले लेते हैं डार्क फ्रिंग्स के लिए, 3/2λ। अरे याद कर लो फॉर्मूले, तो सिंपल है 3/2λ 450 10^-9 इंटू 1 0.15 10^-3 इक्वल टू 4.5 mm, यस और नो? ये कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर मैक्सिमा से तो है सर, आइए यस और नो? ओ से, सब कुछ ओ से माप रहे हैं, कर पाओगे? अब ये बताइएगा, अगर स्लिट को दूर ले जाऊं, सॉरी स्क्रीन को दूर ले जाऊं स्लिट से, तो फ्रिंक्स विड्थ में क्या फर्क पड़ेगा? विड्थ में बढ़ेगी, क्यों? डी बढ़ रहा है भाई, घटेगी फिर तो? बढ़ेगी क्यों? अच्छा सॉरी, ये बड़ा डी बढ़ रहा है भाई, तो ये बढ़ेगा अभी। विड्थ क्या हो जाएगी उनके बीच की? बढ़ जाएगी। लिख दो उसको, लिखिए इन वाई डी एस सी Slit are separated by 0.24 millimeter and screen is kept 160 centimeter from the slit. Okay, if fringe width is measured to 0.4 centimeter, calculate the wavelength of light. इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा अभी, ठीक है? तो ये क्या इधर रखा अभी क्लास? मिलीमीटर में है, 0.24 10^-3 मीटर, क्या है ये? स्मॉल डी, ये कैपिटल डी है भाई, सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, 160 10^-2 मीटर। ये भी, ये क्या है, हैं? ये नहीं, ये कौन है? लेमडा, ये एक्स है, ये एक्स है, फ्रिंग विड्थ है ना ये, तो कितना आएगा? 0.4 10^-2 मीटर। क्या आप लेमडा निकाल सकते हो? एक्स इज इक्वल टू λd/d λ = xd/d एक्स कितना है? 0.4 10^-2 डी कितना है? 0.24 10^-3 d/D कितना है? 160 10^-2 आफ्टर सॉल्विंग 6 10^-7 मीटर हो जाएगा।